टेक करूँ थोड़ा सा, तो डर ये रहता है कि मेरे साथ वाले लोग हर्ट ना हो जाएं। ये जद्दोजहद है, एडवेंचर है, एक्सपेरिमेंट। नो वन, हाँ नो वन जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव बीन आस्क्ड टू टू कमेंट ऑन अबाउट दिस वॉचेस। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, दिस सीम्स टू बी मोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आई वांट सिंपल थिंग्स। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो एक हाईली एजुकेटेड एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ सीईटी हैं। ही इज आल्सो द चीफ ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल सेंटर ऑफ आईबीए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स वेलकम डॉक्टर शाहिद कुरैशी। जी मैम, इसमें सबसे पहले तो माइंडसेट है जी। हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि पहले दफ्तर होगा, गाड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फंडिंग होगी, तो फिर हम काम करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल माइंडसेट है, इसको हम कॉजल माइंडसेट कहते हैं। तो हर बच्चे का जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, बिजनेस का ग्रेजुएट है, ही इज़ लुकिंग फॉर दिस। पहले फंडिंग लाएँ, पैसे लाएँ, दफ्तर लाएँ, तो फिर हम काम करेंगे। इसके मुकाबले में जो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है, चिन्यूटी हो, मेमन हो, आमतौर पर ट्रेडिशनली जो मेमन है वो कहते हैं ना, मेमिंग का एब्रीवेशन हमारी टीम ने डिफाइन किया, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, बगैर चीज़ों के कुछ काम करना। तो ये जो जहन है ना, इसको बदलना सबसे बड़ा चैलेंज है। माशाल्लाह, इसमें आई थिंक इस वक्त तो आई वुड से कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आदमी को जो डिग्री, जो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए हैं पाकिस्तान के, उनको अपनी डिग्री भी मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ हम ये समझ रहे हैं कि वो इसके साथ साथ अपनी स्किल्स और अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करें। हमारी शॉर्ट कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं मैम। दिस इज़ वी आर लिविंग इन द गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी कहते हैं कोई छोटा काम। तो हम ये समझते हैं कि अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटीज़ विल बी चेंजिंग, विल बी फाइंडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जगह बन जाएगी। आप इंशाल्लाह देखेंगे, मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं यूएस के अंदर भी चेंज है, वहाँ भी चेंज आनी शुरू हो गई है, वहाँ भी यही मसले थे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दादा अबू भी आ रहे हैं, बहू भी आ रही है, बच्चा भी आ रहा है, शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं। आप इसको कहते हैं अनबंडल्ड यूनिवर्सिटी, कि आपने 30% फेस टू फेस पढ़ लिया, कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया, कुछ किसी के साथ काम कर लिया, इसको पैक करके एक डिग्री बन गई। इसको आपने 10 सालों पर कर लें, शॉर्ट कोर्सेज कर लें, ऑनलाइन सीख लें। तो ये दिस मोड ऑफ लर्निंग इज़ बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे इस वक्त नौजवान नस्ल स्कूल्स में है, उनको अभी से गियर अप होना चाहिए। लाइफ स्टॉक, बिल्लियाँ पालना भी एक स्किल है, बर्ड्स पालना, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग। हमारा एक बच्चा अभी CS में पढ़ रहा है, इकोनॉमिक इको मैथ में, पाँचवें सेमेस्टर में। ही हैज़ 56 एम्प्लॉयज़। फ्री लांसिंग के जरिए 55 लोगों को जॉब दी हुई है। क्रिएटिव राइटिंग का माहिर है। तो ये गिग इकोनॉमी में हमारे सामने आ चुका है, ये आना नहीं है, ये आ चुका है। तो आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। डिग्रीज भी होती रहेंगी साथ साथ, उनका भी एक इम्पोर्टेंस रहेगी एक वक्त मेच्योरिटी लाने के लिए, लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, पढ़े लिखों उसका भी एक मुकाम रहेगा। लेकिन साथ स्किल्स और एटीट्यूड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिलिटी, स्माइलिंग, लविंग एंड केयरिंग, किसी को फ़ायदा पहुंचाना। हमारे जो जितना भी हमारा कंटेंट है इस वक्त, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, वो उसके अंदर ये चीज़ें मिसिंग हैं। उसका फोकस मेमोराइजेशन पर है, रिप्रोडक्शन पर है। मेरी डिग्री और मेरी नॉलेज से मैं किसी को फ़ायदा पहुँचा सकूँ, उससे किसी का मसला हल हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा तो वो डिग्री बड़ी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जी ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव बीन आस्क्ड टू कमेंट ऑन अबाउट दिस वॉचेस एंड विच सूट्स माय पर्सनालिटी। तो इसमें आप देखें कि ऑल्दो आई एम डूइंग लॉट ऑफ जॉगिंग एंड जिम, बट इट सीम्स इट्स अ गुड डिज़ाइन, बट इट सीम्स विद मोर स्पोर्टी। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, दिस सीम्स टू बी मोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आई वांट सिंपल थिंग्स, आई जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड डिज़ाइन, बट आई थिंक दिस कैन बी इट वर्क्स एट नाइट एज वेल, बट दिस सीम्स टू बी हैवी एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर यंग पीपल मे बी। दिस इज सीम्स टू बी अ सोबर डिज़ाइन, बट स्टिल इट्स दिस The band is a bit heavier and यहाँ पर मुझे वो numbers पसंद होते हैं dial में।
तो इस वॉच को तो आपने नाम ही प्रोफेसर रखा हुआ है आई थिंक, मुझे पता चला. तो ये आई थिंक इट्स सीम्स क्लोजर टू व्हाट माय पर्सनालिटी इज, सीम्स क्लोजर. तो ये आई थिंक इट्स सीम्स क्लोजर टू व्हाट माय पर्सनालिटी इज, सीम्स क्लोजर. तो इसमें दिन भी आ रहे हैं और थोड़ा सा नेकेड विदाउट लेंस देखा भी जा सकता है. ऐसा करें कि वो जो नंबर्स लेते हुए या मेमोराइज करते हुए कॉन्सेप्ट्स का भी ख्याल रख लो. और उसके साथ ये है कि नंबर टू ये है कि आप इस दौरान कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करो. अगर आप फैमिली बिजनेस से हैं तो अम्मा अब्बा दादा चाचा के साथ कारोबार भी शामिल हो जाएं. अगर आपके अबू मुलाजिम हैं या ऐसा कारोबार का नहीं है तो उनके दोस्तों में तलाश करके पार्ट टाइम वॉलंटियर करें उनके साथ. तीसरा यह है कि सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हों, किसी अस्पताल में, किसी डिज़ाइनिंग कुकिंग एक्टिविटीज़ में इसमें हिस्सा लें हमारी बेटियाँ. और स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ब्लॉगिंग, डिज़ाइनिंग, लैंग्वेजेस पंजाबी, पश्तो, उर्दू, एक दो फॉरेन लैंग्वेज, छः ज़ुबानें हम समझते हैं क्लास 3 से लेकर 12 तक साथ सीख ले. तो दिस इज़ माई सजेशंस, आई वुड लाइक टू डू दैट. अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो हम 6-7 ज़ुबानें सीख चुके हूँ. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माई वाइफ हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाईलैंड गया, माय लम्स के अंदर MBA करने का मौका मिला और फिर PhD की. तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ हैं, दो बेटे हैं, दे वर अमेजिंग, दे हेल्प मी. और वो शॉपिंग जर्मनी में था तो वो किचन और सारी चीज़ों का इंतज़ाम करती थी और बच्चों का भी ख्याल किया. तो आई रियली अप्रिशिएट हर कॉन्ट्रीब्यूशन. उनके इस एफर्ट के बगैर ये चीज़ें नामुकम्मल होती या और मुश्किल हो जाती. सर, आई हैव टू बी एट IBA 6 or 7 टाइम्स अ वीक, तो ये भी होता है. तो उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको भी कहते हैं आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं. हाँ जी, इसमें आई थिंक ये बहुत रही मैम, हमें हमारी वालदा बहुत अच्छी माशाल्लाह, मे गॉड फॉरगिव हर. लेकिन जी उस ज़माने का नॉर्म था और अभी भी है कि उसके इतने नंबर आ गए आपको भी लेने हैं. आई थिंक दिस वॉज द क्वेश्चन. उसके 700 आए आपको 700 पर जाना है, उसके 800 आए आपको. तो दिस वॉज द नॉर्म, वी वर कम्पेयरिंग. हाँ जी, फैमिली सोसाइटी मोहल्ले के अंदर, तो मोहल्ले में. तो मैं चूँकि अपने उस कजन्स में बड़ा था तो इसलिए, या दूर से कुछ थे तो नंबर्स एंड ग्रेड्स एंड डॉक्टर इंजीनियरिंग दैट वॉज, तो इसमें प्रेशर था. तो वो आई थिंक दैट वॉज नॉट गुड. व्हेन वी लुक बैक वी थिंक दैट इज़ डेवस्टेटेड. यानी मैंने 12-15 साल इंजीनियरिंग की, बाद में पता चला कि मैं तो इंजीनियर हूँ ही नहीं. तो उस फ्लो में हमने पढ़ा है, नंबर्स, ग्रेड्स, राइटिंग, शीटें भर दें. तो आई थिंक ये चेंज आना बहुत ज़रूरी, अभी भी नहीं आई, अभी शुरुआत हुई है. तो अभी भी हमारे बहुत से नौजवान और पेरेंट्स दे आर ऑब्सेस्ड कि इंजीनियर डॉक्टर, तो उससे नुकसान हो जाता है. बस हम जो है वो शायद हम इंजीनियरिंग के बाद जल्दी MBA कर लेते जी. हाँ, बिगेस्ट फियर ये है कि कोई हम कोई ऐसा मेरे साथ जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज़रा रिस्क टेक करूँ थोड़ा सा, तो डर ये रहता है कि मेरे साथ वाले लोग हर्ट ना हो जाएं. क्योंकि हम तेज़ी से मूव करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो यू हर्ट पीपल समटाइम्स, डिसीजन तेज़ करते हैं तो फिर वो ऐसे फैसले हो जाते हैं जिससे फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब होते हैं. ये बड़ा मुश्किल सवाल है. तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि आई डोंट हैव ए 0-1 आंसर. मुझे मैं ये सीखा है कि हर एक में से ऑब्जेक्टिविटी से हर एक में से कुछ अच्छी चीज़ें तलाश की जाए. लाइफ आई थिंक ये जद्दोजहद है, एडवेंचर है, एक्सपेरिमेंट. हाँ जी, वो ये है कि कुछ हाँ, माई विश ये है कि पाकिस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके वाइस चांसलर और डीन्स का एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बन जाए. हाँ जी, उसको एडवाइस ये है कि जनाब आप अपना हॉबी एंड पैशन आइडेंटिफाई करें, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करें, लोन लिए बगैर अपने घर, इलाके, मोहल्ले में एक्सपेरिमेंट करें और ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर समवन and then keep on working on it.
गाड़ी मैं बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद छोटी ले लेते तो वो बेहतर होती। आई थिंक इट इज़ इट विल बी स्विमिंग एंड जॉगिंग। उस ज़माने में तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स था जी। जी अब तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना पसंद करूँगा जी जी एंड लाइफ स्किल्स। Thank you so much for watching. We will be back with another interview of more corporate leaders of Pakistan. Until then, Allah Hafiz.